हमारे बीच डॉक्टर्स की एक टीम उपलब्ध है. तो आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स टू माय एक्सट्रीम राइट इज ब्रिगेडियर डॉक्टर राजेश्वर सिंह. ही इज हेड ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट पारस हॉस्पिटल. देन वी हैव डॉक्टर राजन साहू हु इज अ सीनियर कंसल्टेंट इन ऑन्को सर्जरी एट पारस हॉस्पिटल पंचकुला. Then we have Dr. Parneet. Dr. Parneet is looking after the radiation therapy part. He is heading that part. Then to my next to Dr. Parneet is Dr. Jagandeep Singh. He is onco-ortho surgeon, a very, very rare breed. इस region में private hospital में ये सुविधाएँ available नहीं हैं. अभी तक जो हड्डियों में cancer की surgeries होती थी उसमें usually amputation किया जाता था. तो आप कुछ नई techniques आ गई हैं जिसमें कि limb saving surgeries वगैरह होती हैं. तो डॉक्टर साहब उसके बारे में आपको जानकारी देंगे. एंड टू एक्सट्रीम राइट इज डॉक्टर अनुपम गावा हु इज हेड ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एट पारस हॉस्पिटल पंचकुला. तो ही टेक्स केयर ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन पार्ट एंड पेट सिटी पार्ट. एक दूसरा रीजन, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है. तो जैसे आप सब जानते हैं कि टोबैको इज वन ऑफ द मेन कल्प्रिट फॉर ऑल टाइप ऑफ कैंसर. मैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह, आई हैव गॉट अबाउट 30 इयर्स एक्सपीरियंस इन आर्मी एंड अबाउट 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन ऑन्कोलॉजी. तो आज मैं आपके साथ कुछ कैंसर क्या है और कितना बर्डन है हिंदुस्तान में उसके बारे में कुछ विचार शेयर करूँगा. हर एक बॉडी में हम बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स होते हैं एंड ऑल सेल्स आर डिवाइडिंग एंड आफ्टर सम टाइम दे डाई ऑल्सो नेचुरली. But in cancer, what happens that death doesn't occur. So it keeps accumulating. So we get lumps, bumps, and that's how the patient life is taken by this disease. Now, cancer is rapidly increasing in our country. Har saal 15 lakh new patient cancer ke aate hain. Inke karan kya hain? Increasing age, rapidly अर्बनाइजेशन विच इज़ अकरिंग इन आर कंट्री. पोल्यूशन आपको पता ही है, एयर पोल्यूशन, ग्राउंड पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और लाइफ स्टाइल चेंजेस कुछ ऐसे जैसे कि ओबेसिटी होगी, स्मोकिंग होगी, ये चीज़ें. तो अगर आप कैंसर से दूर रहना चाहते हैं तो फर्स्टली कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, ईट अ हेल्दी डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. अल्कोहल का सेवन या सिगरेट का कोई किसी टाइप का टोबैको स्मोक ना करें और एक रेगुलर एक्सरसाइज 30 से 60 मिनट की कीजिए. अब हिंदुस्तान में बर्डन कितना है? हमारी टोटल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और उसमें 12 लाख हर साल नए पेशेंट कैंसर के आते हैं, जिसमें कि फीमेल्स ज़्यादा हैं मेल से. तो पूरी दुनिया में नॉर्मली मेल्स में ज़्यादा कैंसर होता है और फीमेल में कम होता है, लेकिन हिंदुस्तान में ज़्यादा है. सो एट एनी टाइम देर अबाउट 25 लाख पेशेंट इन आर कंट्री. व्हाट डज दैट मीन? नाउ आपको लगता है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है और 25 लाख पेशेंट तो ज़्यादा तो नहीं हुए, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे हमारा जो पॉपुलेशन ये है पिरामिड की तरह. ये कैंसर होता किसको है ज़्यादा? कैंसर होता 50 साल से ज़्यादा. तो अगर आप नीचे ये देखेंगे 50 साल से ज़्यादा लोग सिर्फ 10 करोड़ के आसपास हैं. सो 10 करोड़ लोगों में 25 लाख कैंसर पेशेंट, जो रेशो काफ़ी के 100 में से एक पेशेंट या 80 में से एक पेशेंट को कैंसर होता है. और इसमें बच्चों का कैंसर भी 1 लाख के आसपास है. सो इतना बर्डन है. इनफैक्ट हिंदुस्तान में सर्विक्स कैंसर, गॉल ब्लैडर और ओरल कैंसर सबसे ज़्यादा दुनिया में पाए जाते हैं. मेल्स में जैसे देखें कि लंग कैंसर और मुख का कैंसर सबसे ज़्यादा है और फीमेल में ब्रेस्ट और सर्विक्स. अगर टोटल नंबर देखें और ब्रेस्ट और सर्विक्स का नंबर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, दैट इज़ वाई फीमेल कैंसर्स आर मच मोर एज कम्पेयर टू द मेल कैंसर्स. अभी ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले कुछ सदियों से? पहले सर्विस कैंसर सबसे ज़्यादा था, वो अभी कम हो रहा है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है हमारी कंट्री में, स्पेशली अर्बन एरियाज. पूरी दुनिया में कैंसर जो है कम हो रहा है, उनकी मॉर्टलिटी दैट डेथ बिकॉज ऑफ कैंसर रिड्यूस हो रही है, लेकिन इंडिया में ये इंक्रीज हो रही है. उसका रीज़न ये है कि 75% ऑफ आर पेशेंट दे कम वेरी लेट टू अस. वो सही टाइम पे उनका पकड़े नहीं जाते हैं और इलाज भी सही नहीं होता है, और जब तक वो हमारे पास पहुंचते हैं काफ़ी ज़्यादा फैल चुका होता है कैंसर. ये देखिए, आप इमेजिन कीजिए
एक नाइन्थ टेंथ में जब किसी को लिबर्टी मिलती है, एक लड़का निकला घर से, वो बाजार जाता है तो उसे ये दिखाई देता है, तो उस टाइम एक्सपेरिमेंटेशन करने का बड़ा होता है एंड देन ही स्टार्ट एक्सपेरिमेंटेशन. और टोबैको सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कैंसर. इनफैक्ट आधे से ज़्यादा कैंसर मेल्स में और 1/3 फीमेल में कैंसर टोबैको की वजह से होते हैं. और 30-40% सभी कैंसर, आप सोचते होंगे कैंसर मुख का कैंसर कर सकता है या लंग कैंसर करता है, नहीं, बॉडी के सभी कैंसर इससे इफेक्टिव होते हैं. इससे कैंसर के ज़्यादा रिस्क है इससे, ना कि कैंसर बाकी हार्ट डिजीज और बाकी डिजीज भी इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं. सो क्योंकि ये नो टोबैको डे है तो मैं आपको उसके बारे में थोड़े से कुछ बताना चाहूँगा कि लंग कैंसर बहुत ही कॉमन है. बिकॉज ऑफ मेन रीज़न उसका है, सभी को पता है, वो है धूम्रपान का या टोबैको स्मोकिंग. बट ये माइनर रिस्क फैक्टर है, दैट इज़ अ सेकेंड हैंड स्मोक. वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सबको मैसेज देना. सेकेंड हैंड स्मोक इज अ स्मोक विच इज़ इनहेल्ड बाय द फैमिली मेंबर एंड चिल्ड्रन ऑफ स्मोकर्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड that all chemicals which are taken by smoker and exhaled out, they are taken by non-smoker and their relatives and families. They are also at a very, very high risk of getting cancer. This cancer process koi aisa nahi hai ki lambe samay tak, to obviously zyada hota hai, lekin agar short duration ke liye bhi second hand smoke jayega, the process starts. Cancer ek din ka disease nahi hai, isme saal bahut saal lag jate hain, wo process थोड़े समय में भी स्टार्ट हो जाता है. तो आपको सबको ये मैसेज देना चाहिए कि इवन सेकंड हैंड स्मोक से दूर रहें. आप स्मोकर्स को कम से कम अपने फैमिली मेंबर्स और बच्चों से दूर रहना चाहिए स्मोकिंग के टाइम पे, उनके पास स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. तो ये मैसेज मैं आपको नो टोबैको डे पे देना चाहूँगा. कैंसर के क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या हैं जिससे आपको जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए? एनी प्रोलॉन्ग फीवर और कफ, इफ़ देयर इज अ होसनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ का भारी हो जाना, खाने में निगलने में तकलीफ होना, वेट लॉस जब खाना बिल्कुल अच्छा ना लगे, कहीं कोई लंप वगैरह कहीं ब्रेस्ट में या कहीं किसी पार्ट बॉडी किसी पार्ट में हो, और कहीं से ब्लीडिंग या डिस्चार्ज अनयूजुअल हो, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए. बिकॉज कैंसर में अर्ली डिटेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अर्ली डिटेक्शन नॉट ओनली क्योर्स द कैंसर, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑल्सो. सो आजकल स्क्रीनिंग टेस्ट बने हुए हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट आर दोज टेस्ट विच आर डन वेन यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी. ये बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं. और आजकल इन जो ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इन सब के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं. तो ये देखा मैंने आपको, बर्डन बताया कि कितना बर्डन हिंदुस्तान में है. और वही प्रॉब्लम ट्राई सिटी में भी थी, पूरे हरियाणा के एरिया में भी थी. और इसके लिए पेशेंट को जा तो दिल्ली भागना पड़ता है, जहाँ मोहाली की तरफ जाना पड़ता है. तो देयर वाज नो कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर दिस साइड. आपने देखा होगा पंचकुला की तरफ जाएं तो शाम को अब घर सब बहुत बढ़िया घर हैं, लेकिन सभी घरों में एक कमरे में लाइट रात को जलती है, क्योंकि सिर्फ एल्डरली पे होते हैं यहाँ पे, उनके बच्चे सब बाहर हैं. और ये डिजीज़ भी एल्डरली को होता है. और दूसरी बात, कैंसर की लंबी लड़ाई होती है, उसको एक दिन में या दो दिन की लड़ाई नहीं है. उसको अगर ट्रीटमेंट चलेगा तो 6 महीने साल चलेगा. तो रोज़ यहाँ से उठ के दिल्ली जाना या दूर जाना पॉसिबल नहीं होता एल्डरली के लिए. So there was a need, felt need in this side that there should be a comprehensive cancer center, and that felt need has been met with, and we have come out with a comprehensive cancer center at Panchkula. So what are the facilities we have? Chemotherapy, I am heading the medical oncology. So we have precision chemotherapy, hamara daycare center hai, ye dekh rahe hain aap. We have targeted therapy, इम्यूनोथेरेपी देते हैं, बायोलॉजिकल थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड इवन जेनेटिक स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग हम करते हैं. देन हमारे ऑन्को सर्जन है डॉक्टर साहू, ही इज़ डूइंग ऑल ही सर्जरीज इंक्लूडिंग लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरीज, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज, ऑन्कोप्लास्टिक,
मतलब रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी और हेड एंड नेक की रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज ये सब कर रहे हैं. देन थर्ड है हमारे डॉक्टर जगनदीप विर्क. ये एक स्पेशल टाइप ऑफ, ये बड़ी सिटीज़ में, बहुत सिटीज़ में नहीं होता. मैंने भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखा ट्राई सिटी में, एक दो हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में और होगा, कि ये ऑर्थोपेडिक ऑन्को सर्जरी बिल्कुल न्यू है. ये होता है कि बोन कैंसर किसी को हो जाए उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है. पहले तो क्योंकि एक लिम्ब है, आदमी चलना सके, बच्चे को ज़्यादा कैंसर है वो चल ना सके, उसको पूरी उम्र डील करना, तो किसी का एम्पुटेशन कर दो तो बहुत मुश्किल होता है. तो उसके लिए जैसे कि ये कैंसर, इन्होंने देखा कि टांग में कैंसर था, इन्होंने ऑपरेट करके उसमें एक प्रोसेसिस डाल दिया और दो हफ्ते के बाद वो नॉर्मल चल रहा है. सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट कैंसर है, क्योंकि छोटे बच्चों को दे गिव सो मच, दे हैव सो मच टू लिव, एंड दैट इज़ बीइंग केटर्ड बाय आवर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर विर्क. देन रेडियोथेरेपी, इस साइड रेडियोथेरेपी की कोई मशीन नहीं थी, खासकर चंडीगढ़ के दिस नॉर्थ ऑफ चंडीगढ़ एंड पंचकुला एज वेल एज होल ऑफ हरियाणा दिस साइड. सो वी हैव कम विद स्टेट ऑफ आर्ट दिस रेडियोथेरेपी मशीन. दिस इज बीइंग हेडेड बाय डॉक्टर परनीत एंड वी डू ऑल सॉर्ट ऑफ रेडियोथेरेपी. ये जो टाइप्स होती हैं, 3D रेडियोथेरेपी, IMRT, IGRT एंड VMAT, ये लेटेस्ट टेक्निक है पूरी दुनिया में जो अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में. इसके अलावा पेट स्कैन. देखो कैंसर का डायग्नोसिस करना आसान नहीं होता है, और डायग्नोसिस करके फिर देखना कि कितना फैला हुआ है, उसको बोलते हैं स्टेजिंग. उस स्टेजिंग के लिए कुछ टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं. सीटी स्कैन वगैरह से इतने पूरे बॉडी का सीटी स्कैन करेंगे तो कितना रेडिएशन जाएगा, और उससे भी क्लियर नहीं होता है. ये फंक्शनल स्कैन होता है, इसको पेट स्कैन बोलते हैं, और हमने लेटेस्ट पेट स्कैन हमारा लगा हुआ है. डॉक्टर अनुपम गाबा इज़ हेडिंग दिस पेट स्कैन एंड वी आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. हमारे लिए बहुत बढ़िया हो गया है, वी कैन ईजिली डायग्नोज मैनी ऑफ द कैंसर इवन वेरी अर्ली स्टेज. This is one of the most important test in oncology. So, हमारे पास ऐसा नहीं होता कि पेशेंट आएगा और एक ही आदमी डिसीजन ले लेगा कि मैंने ये करना है, चाहे पेशेंट को वो ज़रूरी है कि नहीं है. So we have what we call as a tumor board approach, where all specialists they sit together and decide what is good for the patient. इसमें medical oncology, radiation oncology, oncosurgery, ortho oncology, nuclear medicine, oncopathology, physiotherapy and dietitian, all we sit together and then we decide what is good for the patient. So we provide an excellent comprehensive cancer care which is first in Panchkula, treating all cancer, breast cancer, lung, blood cancer, colon cancer, prostate cancer and bone cancer. And in under one roof, we are giving all treatments, and patient doesn't have to go to one hospital to other hospital. Ke radiation idhar karai, fir chemo idhar di, fir usko bhej diya Mohali mein jao, fir udhar Delhi bhej diya. Aisa nahi hai. We have got all the investigation and all treatment modalities of cancer under one roof. Abhi hum yahan pe free breast cancer screening camp for next 3 days. अगर आपका कोई जान पहचान का कोई असिस्टेंट किसी को चाहिए, प्लीज़ सेंड अस टू देम, वील डू फ्री कैंसर स्क्रीनिंग फॉर नेक्स्ट 3 days. दिस इज़ आर फुल ऑन्को टीम एंड वी आर जॉइंटली टेकिंग ऑल द डिसीजन टुगेदर एंड गिविंग प्रॉपर ट्रीटमेंट टू ऑल कैंसर पेशेंट. ये एक बड़े रेयर प्रकार के कैंसर्स होते हैं, जो हड्डी के कैंसर्स होते हैं, बोन कैंसर, जिन्हें सार्कोमास कहा जाता है, और ये इनका जो इंसिडेंस होता है ये 2 या 3 पेशेंट्स में देखा जाता है पर 1 लाख पॉपुलेशन में. बट गिवन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ये काफ़ी आम देखने को मिलता है, इतना भी अनकॉमन नहीं है ये. इसमें पहले जो इसमें जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि बोन कैंसर जो हैं ये यूजली ग्रोइंग एज ग्रुप में, ज़्यादातर 10 to 20 एज ग्रुप में देखे जाते हैं या एडोलेसेंट एज ग्रुप में देखे जाते हैं. तो ये बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं बच्चों के लिए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है इसके लिए. पहले जो इसकी ट्रीटमेंट होती थी वो यूजुअली एम्प्यूटेशन होती थी, बाय दैट आई मीन कि इसमें यूजुअली लिम्ब को कट कर दिया जाता था. बट इसमें रिसेंटली स्पेशल लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज इंट्रोड्यूस की गई हैं,
जिसकी मैंने ट्रेनिंग की है एंड आई एम हैविंग एक्सपर्टीज इन इट. तो इसके अंदर लिम को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती इन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पेशेंट्स जिनको बोन कैंसर होता है. ये जो स्पेशल लिम सैलवेज सर्जरीज हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं, रिसेक्शन एंड रिकन्स्ट्रक्शन. इसका मतलब ये है कि रिसेक्शन में जो कैंसर वाली हड्डी है उसको निकाल दिया जाता है और उसको एक प्रोस्थेसिस जिसे एंडो प्रोस्थेसिस या मेगा प्रोस्थेसिस कहते हैं उसे रिप्लेस कर दिया जाता है. इसके अलावा कुछ लोकेशंस में जो ये बोन कैंसर्स होते हैं उसमें हम वही हड्डी निकाल के उसको रेडिएशन से ट्रीट करके दोबारा लगा सकते हैं पेशेंट के अंदर वही हड्डी. बोन कैंसर सर होता क्यों है ज़्यादातर 10 और 20 साल की एज में? बिल्कुल, इसका देखो एज सच कोई स्पेसिफिक कॉज या रिस्क फैक्टर नहीं है. जैसे हम कहते हैं कि अगर हम स्मोकिंग करें या पैसिव स्मोकिंग करें तो लंग कैंसर होने के चांस हैं, टोबैको खाएं तो ओरल कैंसर है. सार्कोमास का एज सच कोई रिस्क फैक्टर या कोई कॉजेटिव फैक्टर नहीं होता. ऑल आई कैन से इसकी बैड लक है पेशेंट के लिए. बट इसमें यह है कि अगर प्रॉपर टाइम पे इसका डायग्नोसिस बना दिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाए जो यूजुअली कीमोथेरेपी प्लस सर्जरी इन्वॉल्व करता है, सो इसका जो प्रोग्नोसिस होता है या सर्वाइवल होता है वो ऑलमोस्ट 70-80% है. जिसका मतलब ये है कि अगर ये 100 पेशेंट्स में ये कैंसर होता है तो ऑलमोस्ट 70-80% मरीजों को ठीक किया जा सकते हैं. किसी भी कैंसर पेशेंट को अराउंड 70% ऑफ देम 70% ऑफ कैंसर पेशेंट्स को रेडिएशन मिलती ही मिलती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैंसर डिजीज. हर तरह के कैंसर में रेडिएशन देनी पड़ती है, जैसे ब्रेन कैंसर, मुंह का कैंसर, छाती का कैंसर, लंग का कैंसर, हड्डी का कैंसर में से डॉक्टर साहब ने बताया, और बाकी बच्चेदानी का कैंसर या गायनेकोलॉजी कैंसर. और रेडिएशन बहुत ही सेफ टेक्निक है. लोग बहुत डरते हैं कि इससे पता नहीं बॉडी को नुकसान ज़्यादा होता है, बट ये ज़्यादा नुकसान कैंसर सेल को पहुँचाता है बजाय नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को. और हमारे पास जो मशीन है वो इस एरिया की सबसे बेस्ट मशीन है, ना कि ट्राई सिटी बट ओवरऑल पंजाब की बेस्ट मशीन है, जिससे हम रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं ताकि जो मरीज़ है उसका कैंसर ट्रीट हो और जो उसके नॉर्मल ऑर्गन है जैसे मुंह में पानी बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं या जीभ वगैरह होती है वो बच सके. तो इससे सिर्फ कैंसर ख़त्म होता है बल्कि नॉर्मल स्ट्रक्चर बच जाते हैं. प्लस जैसे आपने बताया कि ब्रेन कैंसर में देना पड़ता है, तो हमारे पास ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि जिससे हमें जो हेयर फॉल होता है ब्रेन कैंसर में वो नहीं होता हमारी रेडिएशन तकनीक. इसी तरह बच्चादानी के कैंसर में भी हम बच्चादानी को बचा सकते हैं बशर्ते हम उसको पहले टाइम पे मतलब सही टाइम पे पकड़े बीमारी को और उसको ट्रीट कर सकें.